हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी ई-ट्यूटर। आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड डिजीज के बारे में, और जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें हमारी कौन कौन सी एजेंट यूज होंगे, कौन कौन सी मेडिसिन यूज होंगी उस रेस्पिरेटरी डिजीज को क्योर करने के लिए। तो मेन जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज आती है वो कौन सी होती है, अस्थमा, जो कि मोस्ट ऑफ द पर्सन जो ओल्डर एजेस होते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो अस्थमा का मेन कॉज क्या होता है, उसकी डिफिनेशन, उससे रिलेटेड एमसीक्यू, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अस्थमा होता क्या है। तो अस्थमा एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें क्या होता है, जो भी हमारे एयरवेज हैं, एयरवेज यानी कि जो कि हमारे सांस लेने का जो रास्ता है उस क्या होता है, नैरो हो जाए, पहली कंडीशन क्या हो जाए, नैरो हो जाए या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाए। सेकेंड वन, म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो, यानी कि म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाए। थर्ड कंडीशन, किसी भी फॉरेन पार्टिकल या फिर किसी भी तरीके का कोई भी माइक्रोबियल एजेंट जो कि क्या करा दे, स्वेलिंग कॉज कराए, या फिर डस्ट पार्टिकल, पॉलन ग्रेन्स, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या कराते हैं, स्वेलिंग कॉज कराते हैं। तो ऐसी कंडीशन जिसमें क्या हो, हमारे एयरवेज में कंस्ट्रिक्शन कॉज हो, स्वेलिंग इंड्यूस हो और इंक्रीज म्यूकस सिक्रीशन हो, तो क्या कराते हैं, रेस्पिरेशन में डिफिकल्टी कॉज करते हैं, तो वो पर्टिकुलर कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, अस्थमा। तो अस्थमा के केस में हम जो ड्रग्स यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे अगर अस्थमा हमारे फेफड़ों में हो रही है यानी कि लंग्स में हो रही है तो उस पर रिसेप्टर कौन सा है। उस पर रिसेप्टर होता है बीटा 2। बीटा 2 क्या करता है, स्मूथ मसल्स में होता है। बीटा 2 क्या होता है, स्मूथ मसल्स में होता है। और बीटा 2 एगोनिस्ट क्या करेंगे, रिलैक्सेशन कॉज कराएंगे, तो यहाँ पे जो हमने क्या देखा था, नैरो या फिर कंस्ट्रिक्शन हो रहा था, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, बीटा 2 एगोनिस्ट, और जब भी यहाँ पे क्या होगी, स्वेलिंग होगी या फिर पॉलन ग्रेन्स जाएंगे, इन सारे कंडीशंस में क्या होगा, स्वेलिंग होगी, तो ये स्वेल होंगे, इरिटेशन कॉज करेंगे, तो उस कंडीशन में स्वेलिंग होगी तो क्या होगी, मास्ट सेल जो है उस क्या करेगा, हिस्टामिन रिलीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, स्वेलिंग होगा। तो वहां पे हम क्या करेंगे, मास्ट सेल स्टेबलाइजर यूज करेंगे। मास्ट सेल स्टेबलाइजर कौन कौन से हमारे, लाइक सोडियम क्रोमोग्लाइकोलेट होते हैं, कीटोटीफेन होते हैं, नीडोक्रोमिल, ये सारे क्या होते हैं, हमारे मास्ट सेल स्टेबलाइजर होते हैं। फिर उसके बाद हम और क्या यूज कर सकते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स यूज करते हैं, जिसमें हमारी कौन सी आती है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड आती है और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, ये दोनों हमारी मेन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है जो अस्थमा के केस में यूज की जाती है। देन बीटा 2 एगोनिस्ट में हम कौन सा, सॉल्ब्यूटामॉल, फोमफेट्रॉल, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं, और जेंथीन डेरिवेटिव लाइक थियोफाइलिन, अमीनोजेंथीन, ये सारे भी हम यूज करते हैं, जो कि क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, फास्फोडाइस्टरेज को इनहिबिट करते हैं। फास्फोडाइस्टरेज को इनहिबिट करने से क्या होगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कॉज करते हैं, जो फास्फोडाइस्टरेज या फिर क्या होता है, एडिनोसिन रिसेप्टर, फास्फोडाइस्टरेज के साथ साथ वो क्या करते हैं, एडिनोसिन को भी इनहिबिट करते हैं, और एडिनोसिन क्या कॉज करता है, एडिनोसिन कॉज करता है कंस्ट्रिक्शन कॉज करता है, और जब एडिनोसिन को इनहिबिट कर देंगे तो क्या करेगा, वहां पे रिलैक्सेशन कॉज होगा, जो कि अस्थमा में पेशेंट को रिलीफ कॉज कराएगा। तो इसी तरीके की जो हमारी ड्रग्स है अस्थमा में यूज होती है। देन हमारा पहला क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थियोफाइलिन इन ब्रोंकियल अस्थमा इज, थियोफाइलिन जो कि हमारी किस क्लास की है, जेंथीन डेरिवेटिव है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है ब्रोंकियल अस्थमा में, फास्फोडाइस्टरेज 4 इनहिबिटर को इनहिबिट करेगी, बीटा 2 एगोनिस्ट कितना काम करेगी, एंटीकोलिनर्जिक एक्शन प्रोवाइड करेगी, जो कि हमारे इप्राट्रोपियम और टायोट्रोपियम करा रहे हैं, इनहिबिशन ऑफ म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस या फिर म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस प्रोवाइड करेगी। तो जो हमारी थियोफाइलिन होती है वो क्या कराती है, बीटा 2 एगोनिज्म यानी कि
रिलैक्सेशन कॉज कराएगी, किसमें, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें वो रिलैक्सेशन कॉज कराएगी, डायलेशन कराएगा। तो क्या करेगा, रेस्पिरेशन या फिर एयरवे जो है वहां से सांस लेने में पेशेंट को आसानी होगी और रिलीफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टू प्रिवेंट एक्सरसाइज इंड्यूस ब्रोंकियल अस्थमा ड्रग इज यूज। समटाइम्स क्या होता है, एक्सरसाइज जब लेंगे तो क्या होगा, हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन का रेट भी बढ़ेगा। जब रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा वहां क्या होगा, कंस्ट्रिक्शन होगा। तो उस केस में हम कौन सी यूज करते हैं, सोडियम क्रोमो ग्लाइकोलेट जो कि क्या है, हमारी मार्श सेल स्टेबलाइजर है। देन एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड किस क्लास की, हमारी एंटीकोलिनर्जिक्स है। या फिर टर्ब्यूटाइन, टर्ब्यूटाइन हमारी किस क्लास की है, बीटा टू एगोनिस्ट है। टर्ब्यूटाइन हमारी सॉल्ब्यूटामोल, ये सारी चीजें। देन इपिनेफ्रिन, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है हमारा सोडियम क्रोमो ग्लाइकोलेट। सोडियम क्रोमो ग्लाइकोलेट, कीटोटिफेन और नीडोक्रोमिन, ये सारी हमारी मास्क सेल स्टेबलाइजर है और एक्सरसाइज इंड्यूस ब्रोंकियल अस्थमा में हम सोडियम क्रोमो ग्लाइकोलेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और ब्रोंकियल अस्थमा, हमारा LT1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है किसमें, लंग्स में, यानी कि जो भी हमारा ब्रोंकाई होता है तो उसमें हमारा क्या होता है, LT1 रिसेप्टर, ल्यूकोट्राइन 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो इसमें से कौन सा हमारा एंटागोनिस्ट है, कौन सी हमारी ड्रग है जो एज ए ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की तरह काम करेगी। तो ऑप्शंस है हमारे जाफिज लुकाश, जुलेटॉन, प्रोमोलिन सोडियम एंड अमीनोफाइलिन। तो हमारा ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट हमारी दो है, तो मेन ज्यादा यूज होती है करंट टाइम में वो होती है माउंटेन लिकॉस्ट। आपने नाम भी सुना होगा प्रोडक्ट का, माउंट एयर LC, ये इससे जो कि नंबर वन ब्रांड है, ये सारी चीजें। और जो जाफिज लुकाश, तो दो भाई थे, जाफिज लुकाश और माउंटेन लुकाश, क्या है हमारे मार्श सेल, सॉरी ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, कौन सा हमारा, जाफिज लुकाश। और जुलेटॉन क्या है, ये हमारा क्या है, लॉक्स इनहिबिटर है। लॉक्स क्या, दो हमारे होते हैं, कॉक्स होता है, लॉक्स होता है। कॉक्स में भी हमारा दो होता है, COX-1 COX-2। COX-1 जो होता है वो हमारा पेरिफेरली प्रेजेंट होता है, COX-1 जो होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, पेरिफेरली। जितनी भी NSAIDs होती हैं, लाइक जो आपकी क्या हुई, एस्प्रिन हुई, पैरासीटामोल हुई, डाइक्लोफिनेक है, ये आपकी क्या है, COX-1 पे काम कर रही है। देन COX-2, तो जितनी भी कॉक्सिब वाली ड्रग है, सेलिकॉक्सिब, ज़ेफिकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब, लॉन्गेस्ट एक्टिंग होती है इटोरिकॉक्सिब, किसमें, COX-2 इनहिबिटर में, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये CNS में प्रेजेंट होते हैं, कौन से, COX-2। देन बात करते हैं लॉक्स की, लॉक्स क्या होता है, लाइपो ऑक्सीजनेज होता है, ये क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। लॉक्स इनहिबिटर होता है हमारा जुलेटॉन, इम्पोर्टेंट है लॉक्स इनहिबिटर कौन सा हमारा, जुलेटॉन। तो हमने पता, हमने ये बात किया कि जो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है वो कौन सा है, जाफिज लुकाश, करेक्ट आंसर जाफिज लुकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, विच एंजाइम इज इनहिबिटेड बाई अमीनोफाइलिन्स, जो अमीनोफाइलिन्स होते हैं, कौन सा अमीनोफाइलिन्स, ये किस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। तो पहला है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये एल्कोहल के मेटाबॉलिज्म में ये आता है, जहाँ पे हम फोमिपिजोल वगैरह की बात करते हैं, जो कि एल्कोहल एल्कोहल जो एडिक्शन होता है उसमें जो नशा होता है उससे ओवरकम कराने के लिए डाइसल्फिराम वगैरह हम वहां पे बात करते हैं। देन मोनो अमीनो ऑक्सीडेज, MAO A MAO B दो थे। देन हमारा फ्लोरगैलिन ऑयल, मोक्लेवेमाइड, सेलेजेलिन, रेसेलेजेलिन, किसमें थे, MAO में, एंड नॉन सिनेक्टिव में फिनेल जीन, ये हमारी तीन MAO में हो गई। देन साइटोक्रोम P450, इसमें क्या होता है हमारा एंजाइम इनहिबिटर, एंजाइम इंड्यूसर, इनहिबिटर इंड्यूसर, इंड्यूसर में हमारी कौन सी आती थी, वाल्प्रोएट आती थी, आइसोनियाजिड आती थी, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, कीटोकोनाजोल, ये सब किसमें आते थे हमारे, एंजाइम
इनहिबिटर में आते थे। इंड्यूसर में हमारे कौन से आते थे? जीपीआरएस, सल्फोन, ग्रेसियोफलविन, फिनेटोइन, रिफामसिन, ये सारे हमारे किसमें आते थे? ये आते थे हमारे एंजाइम इंड्यूसर में। फिर हम बात करते हैं फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम की। फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम एमिनोफाइलिन जो होता है ये इसको इनहिबिट करता है। किसको? फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम को। अमीनोफाइलिन के एग्जाम्पल जो होते हैं हमारे थियोफाइलिन होता है जो कि अमीनोफाइलिन डेरिवेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। करेक्ट आंसर हमारा फॉस्फोडाइस्टरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इनहिबिशन ऑफ 5-लाइपोऑक्सीजनेज इज यूजफुल इन। 5-लाइपोऑक्सीजनेज क्या है? इसी को हम बोलते हैं लॉक्स। लॉक्स इनहिबिटर कौन सा था हमारा? जुलिटॉन। कार्डियक फेल्योर लॉक्स इनहिबिटर का इनहिबिशन का यूज किया कार्डियक फेल्योर में हो रहा है? नहीं। देन ब्रोंकियल अस्थमा, हिपैटिक फेल्योर, आर्थराइटिस। तो हमने पढ़ा था कि लॉक्स इनहिबिटर क्या करता है? ब्रोंकियल अस्थमा में यूजफुल होता है। तो जुलिटॉन करेक्ट आंसर है हमारा ब्रोंकियल अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। द ड्रग नॉट यूज इन एक्यूट अस्थमा इज। एक्यूट अस्थमा में हमारी कौन सी ड्रग इसमें से यूज नहीं होती है? ऑप्शन है हमारे सॉल्ब्यूटामॉल, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, मोंटेलुकास्ट एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन। तो हमारे ऑप्शन पहला क्या है? सॉल्ब्यूटामॉल। सॉल्ब्यूटामॉल क्या है हमारा? बीटा टू एगोनिस्ट है। सॉल्ब्यूटामॉल क्या है? बीटा टू एगोनिस्ट है जो कि लंग्स की सॉफ्ट जो टिश्यूज होते हैं उस पे प्रेजेंट होता है। देन अब बात करते हैं इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड की जो कि क्या है? इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड क्या है हमारा? एंटीकोलिनर्जिक है। क्या है? एंटीकोलिनर्जिक है। देन मोंटेलुकास्ट, मोंटेलुकास्ट क्या है हमारा? मोंटेलुकास्ट और जाफिरलुकास्ट ये हमारे क्या है? ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है। कौन से? मोंटेलुकास्ट एंड जाफिरलुकास्ट एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन। हाइड्रोकॉर्टिसोन हमारा क्या है? स्टीरॉइड है। करेक्ट आंसर है हमारा मोंटेलुकास्ट जो कि हमारा एक्यूट अस्थमा में यूज नहीं किया जाता। मास्ट सेल सॉरी जाफिरलुकास्ट एंड मोंटेलुकास्ट। देन हम बात करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से सभी ड्रग हमारी अस्थमा में यूज होती है एक्सेप्ट वन। तो इसमें से कौन सी है जो हमारी अस्थमा में एज ए ब्रोंको डायलेटर यूज होती है? सॉरी एज ए ब्रोंको डायलेटर होती है बट एक ऐसी है जो एज ए ब्रोंको डायलेटर यूज नहीं होती। ऑप्शन से हमारे थियोफाइलिन। थियोफाइलिन हमारा क्या कर रहा था? एडिनोसिन रिसेप्टर को इनहिबिट कर रहा था जिसकी वजह से क्या हो रहा था? ये क्या कर रहा था? एडिनोसिन वैसो कंस्ट्रिक्शन कॉज करता था। देन सॉल्मेट्रोल, कॉन्फेट्रोल, सॉल्ब्यूटामॉल ये सारे हमारे क्या है? बीटा टू एगोनिस्ट हैं जो कि डायरेक्ट क्या करा रहे हैं? ब्रोंको डायलेशन कराएंगे। देन इप्राट्रोपियम और टायरट्रोपियम जो होते हैं हमारे क्या है? एंटीकोलिनर्जिक्स हैं। एंटीकोलिनर्जिक्स हैं। देन बात आती है बेक्लोमेथासोन की। बेक्लोमेथासोन क्या होते हैं हमारे? ये है हमारे कॉर्टिको स्टीरॉइड जो कि क्या ये क्या करेंगे? ये ब्रोंको डायलेशन कॉज नहीं कराते। ब्रोंको डायलेशन कॉज नहीं कराते कौन से? बेक्लोमेथासोन। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पे क्या है? बेक्लोमेथासोन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड इज यूज इन ब्रोंकियल अस्थमा इज। जो हम इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड ब्रोंकियल अस्थमा में यूज कर रहे हैं ये हमारी किस क्लास की है? बीटा सिंपैथोमिमेटिक्स है या फिर मिथाइल जैंथीन है, एंटीकोलिनर्जिक है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा एंटीकोलिनर्जिक। हमने दो ड्रग डिस्कस की थी, पहली कौन सी थी हमारी? इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, दूसरी टायरट्रोपियम ब्रोमाइड जो कि किस क्लास की थी? एंटीकोलिनर्जिक क्लास की थी। अगर मास्ट सेल स्टेबलाइजर की बात करते हैं तो इसमें हमारी तीन ड्रग मेन है जो कि निडोक्रोमिल है, सोडियम कीटोटिफेन है, ये सारी हमारी कौन सी है? मास्ट सेल स्टेबलाइजर और सोडियम क्रोमोग्लाइकोलेट। सोडियम क्रोमोग्लाइकोलेट करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा है क्या? एंटीकोलिनर्जिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्ग एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक
यूज्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा, इसमें से कौन सी ऐसी हमारी बीटा टू एगोनिस्ट सिंपैथोमायोनेटिक्स है जो कि किसमें यूज हो रही है हमारी, किसमें, ब्रोंकियल अस्थमा में। ऑप्शन है हमारे क्या, सॉल्ब्यूटामॉल, टेम्ब्यूटालिन, बेम्ब्यूटेरॉल एंड सॉल्मेट्रॉल। यानी कि हमारे क्या क्या ऑप्शन है, सॉल्मेट्रॉल, सॉल्ब्यूटामॉल, बेम्ब्यूटेरॉल एंड टेम्ब्यूटालिन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा, करेक्ट आंसर क्या है हमारा, बैम, करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे है बेम्ब्यूटेरॉल। सॉरी आंसर प्रेजेंट नहीं है उस स्लाइड में, बट करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या है, बेम्ब्यूटेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन इज एन, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन जो है हमारा ये क्या है, एंटीहिस्टामिनिक्स है, एंटी टसिव है, एक्सपेक्टोरेंट है या फिर एंटी एलर्जिक। एंटी एलर्जिक जो होते हैं वो हमारे किस पे काम करते हैं, वो हमारे काम करते हैं हिस्टामिन्स पे, H1 रिसेप्टर जो होते हैं। देन हमारी क्या आता है, एंटी हिस्टामिनिक्स, एंटी एलर्जी जो मेनली आपके एंटी हिस्टामिनिक्स होते हैं। देन एंटी टसिव और एक्सपेक्टोरेंट। एंटी टसिव क्या करते हैं, जो कफ सेंटर हमारा प्रेजेंट होता है कहाँ, CNS में, उसके थ्रेशहोल्ड को इनहिबिट करते हैं, पहला काम। दूसरा, कफ के फॉर्मेशन को, जो हमारा क्या हो रहा है, कफ का फॉर्मेशन हो रहा है कहाँ पे, कफ सेंटर में, वहां से कफ का जो फॉर्मेशन है उसको भी इनहिबिट करते हैं, म्यूकस सिक्रीशन को भी कम करते हैं। देन उसके बाद जो हमारा एक्सपेक्टोरेंट होता है, एक्सपेक्टोरेंट क्या करता है, एक्सपेल आउट करने में, किसमें, एक्सपेल आउट करने में, किसको, कफ को हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो हमारा डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन है ये क्या है, एंटी टसिव है। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन हमारा क्या है, एंटी टसिव है। नेक्स्ट है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट इज, बीटा एगोनिस्ट वही जो हमारे बीटा अस्थमा में यूज होते हैं, ये हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट इज सॉल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन, सॉल्मेट्रोल एंड थियोफाइलिन। तो लॉन्गेस्ट एक्टिंग यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो हमारा जो लॉन्गेस्ट एक्टिंग जो हमारे बीटा वन बीटा टू दोनों में हम बात कर रहे हैं कि जो नॉन सिलेक्टिव है, तो वहां पे हम लॉन्गेस्ट एक्टिंग में किसको बोल रहे हैं, तो वहां पे हमारा करेक्ट आंसर है सॉल्मेट्रोल, जो कि लॉन्गेस्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, ओमालीजुमैब, ओमालीजुमैब एक ड्रग है, वो किस क्लास की है, IgE एंटीबॉडी है, इज इंडिकेटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, ये इसमें से कौन सी कंडीशन के लिए यूज होता है, मल्टीपल माइलोमा। एक चीज याद रखिएगा, किसी भी वर्ड के नीचे अगर OM आता है, OMA, कार्सिनोमा, माइलोमा, हिमेटोमा, तो वो इंडिकेट करता है कैंसर को, ओंकोजिन्स को। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल माइलोमा, जो कि क्या है, गलत है। नेक्स्ट आता है सोरियासिस, सोरियासिस में क्या होता है, जो व्हाइट पैचेस वगैरह, स्किन से रिलेटेड डिजीज है, क्या उसमें IgE या ओमालीजुमैब यूज होता है, नहीं। नेक्स्ट आता है क्या, ब्रोंकियल अस्थमा, यानी कि जो अस्थमा होता है उसमें क्या ओमालीजुमैब यूज होता है, यस, अस्थमा में ओमालीजुमैब यूज होता है। लास्ट वन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो हमारा आर्थराइटिस के केस में, जो आर्थराइटिस लाइक गाउट हुआ आपका, ये सारी क्या है, जॉइंट से रिलेटेड डिजीज है, उसमें आपका ये ओमालीजुमैब यूज होता है, नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ब्रोंकियल अस्थमा, जिसमें क्या होता है, IgE एंटीबॉडी ये यूज होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मोंटेलुकास्ट, मोंटेलुकास्ट हमारा क्या है, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है, कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर, इनिबिट अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट, नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस। जो हमारे क्या होते हैं, मोंटेलुकास्ट होते हैं, क्या होते हैं, ये ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट होते हैं। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर, जो हमारे मोंटेलुकास्ट और जाफेलुकास्ट होते हैं, ये कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं, किस रिसेप्टर के, जो हमारे ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जूलीटॉन इज, जूलीटॉन हमने पहले भी बात की थी, जूलीटॉन क्या है, जूलीटॉन हमारा है लॉक्स इनहिबिटर, लाइपोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर, इसके इम्पोर्टेंट ड्रग है जूलीटॉन। तो इसमें हमारे ऑप्शन क्या है, इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ IgE, ये काम हमारी कौन सी ड्रग कर रही थी, ओमालीजुमैब,
ओमालीजुमैब जो हमारी ड्रग है ये क्या कर रही थी, एज ए आईजीई एंटीबॉडी देन इनहिबिट लिपो ऑक्सीजनेस लॉक्स इनहिबिटर इनहिबिट साइक्लो ऑक्सीजनेस कॉक्स जो हमारे एस्प्रिन जो भी एनएसएड्स हैं वो सारे इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ मास्ट सेल, मास्ट सेल जो भी हमारी कौन सी आ रही थी नीडोक्रोमिल सोडियम क्रोमो ग्लाइकोलेट तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है लॉक्स इनहिबिटर जो कि लाइपोक्सीजनेज इनहिबिट कर रहा है कौन सा जुलिटॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू सिलेक्टिव एगोनिस्ट, इसमें से कौन सी ऐसी हमारी ड्रग है जो सिलेक्टिव बीटा टू यानी कि केवल लंग्स पे काम करेगी और उसके लिए एज ए एगोनिस्ट यूज हो रही है। तो ऑप्शन है हमारे फॉर्मेट्रोल आइसोप्रेटरनील सॉरी आइसोप्रेनलिन एंड सॉल्ब्यूटामोल एंड इफेड्रीन। यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा फॉर्मेट्रोल जो कि सिलेक्टिव बीटा टू सिलेक्टिव एगोनिस्ट है और सबसे लॉन्गेस्ट एक्टिंग है यानी कि सबसे देर तक ये एक्ट करेगी, टी हाफ इसका सबसे लॉन्ग है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन एंटी टेसिव, दो होते हैं हमारे कफ सप्रेंट में सॉरी कफ सिरप में एंटी टेसिव एक्सपेक्टोरेंट, यहाँ पे एंटी टेसिव किस तरीके से काम करते हैं लिक्विफाइंग ब्रोंकियल सिक्रीशन यानी कि जो ड्राई कफ होता है लाइक अगर ड्राई कफ है तो उसमें जो ब्रोंकियल सिक्रीशन है उसको लिक्विफाई करेंगे इंक्रीज करेंगे उसका लिक्विफिकेशन और उसके थ्रू कफ को इंक्रीज एक्सपेल आउट करेंगे बाहर निकालेंगे। देन हम बात करेंगे रेजिंग दी थ्रेसोल्ड ऑफ कफ सेंटर, कफ सेंटर जो है उसमें क्या करेंगे थ्रेसोल्ड को इंक्रीज करेंगे। थर्ड वन है रिड्यूसिंग कफ इंड्यूसिंग इम्पल्स फ्रॉम दी लंग्स, जो भी लंग्स में हमारे कफ को इंक्रीज करने वाले इम्पल्सेज हैं लाइक आपका जो म्यूकस सिक्रीशन है अगर वो इंक्रीज हो रहा है इन सारी चीजों को रिड्यूस करेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है बोथ बी एंड सी क्योंकि जो हमारे एंटी टेसिव होते हैं वो मेनली किस पे काम करते हैं, पहला कफ सेंटर पे काम करते हैं और दूसरा क्या रिड्यूस करते हैं किसको इम्पल्सेज फ्रॉम दी लंग्स, जो भी लंग्स से हमारे इम्पल्स इंक्रीज रहते हैं उसको रिड्यूस करते हैं एंटी टेसिव, वो बी एंड सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन इज एन, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन क्या है एनाल्जेसिक है एंटी टेसिव है एक्सपेक्टोरेंट है या फिर एंटी हिस्टामिनिक्स है, तो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन हमारा क्या है एंटी टेसिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी टेसिव, इसमें से कौन सी हमारी ऐसी ड्रग है जो कि एंटी टेसिव नहीं है कफ को एक्सपेल आउट नहीं कर रही है तो एंटी टेसिव नहीं है। तो ऑप्शंस क्या है हमारे, पहला है ऑक्सेलाडीन क्लोफेंडाइऑल देन डेक्स्ट्रो प्रोपॉक्सिफेन एंड डेक्स्ट्रो मेथॉर्फेन। तो डेक्स्ट्रो प्रोपॉक्सिफेन क्या है ओपियोइड एनाल्जेसिक है, डेक्स्ट्रो ओपियोइड एनाल्जेसिक कैटेगरी की ड्रग है। देन क्लोफेंडाइल क्या है, क्लोफेंडाइल की जब हम बात करते हैं सेंट्रली एक्टिंग कफ सप्रेसेंट, कौन सी हमारी ड्रग है क्लोफेंडाइल क्या है सेंट्रली एक्टिंग कफ सप्रेसेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा क्या पूछा है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी टेसिव, इसमें से कौन सी हमारी ड्रग है जो हमारी क्या है एंटी टेसिव नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है डेक्स्ट्रो प्रोपॉक्सिफेन हमारी यहाँ पे एंटी टेसिव नहीं है क्योंकि ये एनाल्जेसिक की क्लास की है। नेक्स्ट क्या है विच ऑफ दी फॉलोइंग ड्रग हैज बीन फाउंड टू बी यूजफुल इन एक्यूट सीवियर अस्थमा, फाउंड टू बी यूज इन एक्यूट सीवियर अस्थमा। तो हमारे ऑप्शन क्या क्या है मैग्नीशियम सल्फेट यूजफुल है कि नहीं एक्यूट सीवियर अस्थमा में। नेक्स्ट क्या है हमारा
एंटी ल्यूकोट्राइन, यानी कि जो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है, जाफिर लुकास्ट है, माउंटेन ल्यूकास्ट है, ये सारे। देन मास्ट सेल स्टेबलाइजर, जो भी हमारे क्या है, नीडोक्रोमिन है, सोडियम क्रोमो ग्लाइकोलेट है, ये सारे हमारे किसमें, ये क्या है हमारे क्रोमोलिन सॉल्यूशन, ये इसमें आते हैं। साइक्लोस्पोरिन, ये क्या है, साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसेंट है। जब भी हम कभी किसी पेशेंट की बात करते हैं ऑर्गेन डोनेशन की, इन सारी चीजों की, जब उसने ऑर्गेन डोनेट किया हो, तो उन सब केसेस में हमारा क्या दिया जाता है, साइक्लोस्पोरिन, ताकि क्या है वो इम्यून को सप्रेस किए रहे, तो ऑर्गेन रिजेक्शन के चांसेस ना हो। देन मैग्नीशियम सल्फेट क्या करता है, रिफ्लेक्स स्मूथ मसल्स। यहाँ पे हमारा कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि क्या है, यूजफुल है एक्यूट सीवियर अस्थमा में। तो एक्यूट सीवियर अस्थमा में हमारी क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट यूज होती है, क्योंकि ये क्या करती है, जो भी हमारे स्मूथ मसल्स हैं उनको क्या करती है, रिलैक्स करती है, सॉरी रिफ्लेक्स नहीं, रिलैक्स करती है, किसको, स्मूथ मसल को। करेक्ट आंसर इज मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी अस्थमा ड्रग इज नॉट ए ब्रोंकोडायलेटर, इसमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो हमारी क्या है, ब्रोंकोडायलेटर नहीं है। ऑप्शन है हमारे एट्राटोपियम ब्रोमाइड, जो कि हमारी किस क्लास की है, एंटीकोलिनर्जिक्स की है, थियोफाइलिन, जेंथीन डेरिवेटिव्स होते हैं हमारे उस क्लास की, देन फॉर्मेट्रोल, बीटा टू एगोनिस्ट जो होते हैं हमारे, देन सोडियम क्रोमो ग्लाइकोलेट। सोडियम क्रोमो ग्लाइकोलेट हमारे क्या है, ये हमारे हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या है, जो ब्रोंकोडायलेशन नहीं कॉज करता वो है सोडियम क्रोमो ग्लाइकोलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओवरडोज थियोफाइलिन, ओवरडोज कॉजेज, थियोफाइलिन जो है जो अमीनोफाइलिन या जेंथीन डेरिवेटिव है, उसकी ओवरडोज क्या कॉज करेगी, ब्रेडिकार्डिया, ड्राउजीनेस, सीजर या फेक्सोफेनाडीन। फेक्सोफेनाडीन हमारी नीवर एंटी एलर्जिक ड्रग्स है, एलेग्रा नाम सुना ही होगा। इसमें क्या है कि जो आपके प्रीवियस फर्स्ट जनरेशन के एंटी हिस्टामिनिक्स थे उसमें क्या ड्रॉबैक था, उसमें क्या कॉज करते थे, सिडेशन कॉज करते थे, नींद ज्यादा आती थी, तो वो फेक्सोफेनाडीन के साथ नहीं है। ड्राउजीनेस यानी कि थकान लाइक कंडीशन, सीजर यानी कि झटके, एपिलेप्सी, ये सारी चीजें, ब्रेडिकार्डिया जो इरेगुलर हार्ट बीट है, तो वो, तो जो हमारा करेक्ट आंसर है, थियोफाइलिन ओवरडोज में क्या होता है, हमारे सीजर शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज जो थियोफाइलिन है, ये हमारी क्या है, ये इसका थेरापूटिक इंडेक्स कम होता है एज कम्पेयर टू अदर ड्रग, इस वजह से इसकी टॉक्सिसिटी के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, एन ओपियाइड विच हैज एन एंटीटसिव एक्शन इज, इसमें से कौन सा ऐसा ओपियाइड है जिसमें क्या है एंटीटसिव एक्शन है, तो ऑप्शन से है हमारे डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन, यानी कि जो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन है उसमें हमारा एंटीटसिव एक्शन है। देन हमारा सेकेंड वन क्या है, ऑक्सिलाडीन, ऑक्सिलाडीन क्या होता है, कफ सप्रेसेंट है। देन नार्कोटीन एंड कोडीन, जो नार्कोटीन होता है इसी को ही नोसकैपीन भी बोलते हैं, नोसकैपीन का ही यूज होता है हमारा, सॉरी नोसकैपीन का ही यूज किसमें होता है, ड्राई कफ में, ड्राई कफ में। इसमें से विच ओपियाइड हैज एन एंटीटसिव एक्शन, इसमें से कौन सा ऐसा ओपियाइड है जिसमें एंटीटसिव एक्शन है, तो करेक्ट आंसर है हमारा कोडीन। कोडीन में ही क्या होता है, एंटीटसिव एक्शन भी होता है। देन विच ड्रग यूज इन ब्रोंकियल अस्थमा नीड्स मॉनिटरिंग, नीड्स मॉनिटरिंग, किसी भी ड्रग की मॉनिटरिंग की जरूरत कब पड़ेगी, जब उसका थेरापूटिक इंडेक्स कम होगा, लाइक फिनोबार्बिटोन हुआ, या फिर आपकी और भी ड्रग जिसकी
क्या है, आपकी थेरापूटिक इंडेक्स कम है, उसको क्या बोलते हैं, थेरापूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। अगर कोई भी ड्रग आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं और उसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है, जिनका थेरापूटिक इंडेक्स कम होता है, डिजिटलिस हुआ, फिनोबारबिटोन हुआ, इन सारी ड्रग्स में क्या होता है, थेरापूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की जाती है। तो ऑप्शन है हमारे क्या, ब्रोंकियल अस्थमा में कौन सी ड्रग में मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। ऑप्शन क्या है, थियोफाइलिन, क्रोमोग्लाइकोलेट, सोलमेट्रोल एंड टर्ब्यूटालिन। तो हमने ये भी पढ़ा था, जो थियोफाइलिन की ओवरडोज थी वो क्या कॉज करा रही थी, सीजर। और जो थियोफाइलिन होता है, इसका जो थेरापूटिक इंडेक्स होता है, ये क्या होता है, ये कम होता है। और थेरापूटिक इंडेक्स क्या डिनोट करता है, वो किसी भी ड्रग की सेफ्टी को डिनोट करता है, कि ड्रग कितनी सेफ है। अगर थेरापूटिक इंडेक्स कम है तो ड्रग कम सेफ है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, थियोफाइलिन, थियोफाइलिन हमारा करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास में हमने जो भी हमारे एजेंट्स हैं, जो भी हमारे ड्रग्स हैं, जो हमारे किसमें यूज हो रही है, एपिलेप्सी में यूज हो रहे हैं और अस्थमा में यूज हो रहे हैं, उसके क्या क्या ओवर साइड इफेक्ट हैं, ओवर डोजेस के क्या साइड इफेक्ट हैं, वो कैसे काम कर रही हैं, उससे रिलेटेड जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने उसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम इस एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू।